अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सामर शीदा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकंड एग्जांपल, जिसका नाम है बॉल एंड अ बाउल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन की टाइप है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजिशन के गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। और हमने जो इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखी थी वो थी मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, और उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगा रहा था मास के ऊपर और वो मास अपनी मेन पोजीशन के गिर टू एंड फ्रो मूव कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एग्जांपल है इसमें भी हम कुछ इसी तरह की बातें करेंगे, कुछ रिस्टोरिंग फोर्स की बातें करेंगे, कुछ हम वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज की बातें करेंगे। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये एक मैंने डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में ये एक बाउल है और इस बाउल के सेंटर में मैंने एक बॉल को रख दिया है और ये बॉल इस टाइम रेस्ट की हालत में मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो है, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो स्टूडेंट्स, नेट फोर्स जीरो कैसे है? सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये बॉल इस बाउल के ऊपर इस टाइम एक फोर्स लगा रही है जो कि इसका अपना वेट है। तो रिएक्शन के तौर पर बाउल भी इस बॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसे हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। उसे मैंने आर से डिनोट किया है। तो स्टूडेंट्स, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए सम ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि इस पोजीशन को, जिस पोजीशन पर ये रेस्ट की हालत में मौजूद है, इसको हम मीन पोजीशन कह देते हैं और इसको हम ओ से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारी मीन पोजीशन बन गई। तो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं कि मैं सिंपली इस बॉल को डिस्प्लेस करवाता हूं टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर आपको दो बातें बताने वाला हूं। ये दो बातें आपने जहन में बिठा लेनी है, ये हर उस एग्जाम्पल में फिट होंगी जहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की आप एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हो, चाहे वो बॉल एंड बाउल सिस्टम हो। तीनों में ये दो बातें कॉमन है। पहली बात कि जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से दूर जाती है तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज होती है। दोबारा सुने, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से दूर जाती है, उसकी फोर्स यानी कि उसके ऊपर लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? बढ़ना शुरू कर देती है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। इसके बरक्स, जब कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है तो उसके ऊपर लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स कम होना शुरू हो जाती है और उस बॉल, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसे ही मैं इस बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन ए पर रिलीज करूंगा, इसके ऊपर इस टाइम मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है और वो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल का अपना वेट ही है। तो स्टूडेंट्स, याद रखें, लास्ट एग्जांपल में रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगा रहा था, लेकिन इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल का वेट लगा रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये बॉल अब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से कहां को मूव करेगी? मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी। जैसे ही ये मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी, रीस्टोरिंग फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी और वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब ये अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन पर जैसे ही ये पहुंचेगी, इसके पास इनर्शिया होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इनर्शिया का भी बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पास अब मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसके पास इनर्शिया है, तो ये बॉल यहां पर रुकेगी नहीं बल्कि एक्सट्रीम पोजिशन बी की तरफ मूव कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर जैसे ही ये पहुंचेगी तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मैक्सिमम होती है। और जब ये बॉल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगी, क्योंकि इसके ऊपर
फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो क्यों होती है, और इसकी रीजन भी मैंने बताई थी कि क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करना होता है, इसलिए ये एक लंबे के लिए रेस्ट में आती है और फिर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन बी पर एक लंबे के लिए रेस्ट पे आती है और फिर ये वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है अंडर द एक्शन ऑफ फ्री स्टोरिंग फोर्स, जो कि इसका वेट ही इसके ऊपर लगा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी क्या करेगी, दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसके ऊपर लगने वाली फ्री स्टोरिंग फोर्स कम हो जाएगी, अगेन इसके पास इनर्शिया होगा, ये मेन पोजीशन पर रुकेगी नहीं, दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ चली जाएगी और फिर इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो, और रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह ये बॉल अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी अबाउट दिस मेन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, इस टू एंड फ्रो मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये मोशन कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि इस बॉल की जो एनर्जी है फ्रिक्शन की वजह से खत्म नहीं हो जाती। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी बातें मैंने अभी सिलेक्शन में की हैं, वो मैंने सारी इधर लिख दी हैं पॉइंट की फॉर्म में, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।